नमस्कार एवरीवन, नमस्कार टू माय डियर कॉस्मिक फैमिली, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेयर आई मेक वीडियोस ऑन वेरियस टॉपिक एंड द ग्लोबल बर्निंग टॉपिक्स। सो आज का मेरा टॉपिक है जो कि बहुत बहुत डेंजरस टॉपिक है, जो हर घर में लोग भुगत रहे हैं, एंड दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस। नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये घरेलू हिंसा क्या है? सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं गीता से। तो भगवान श्री कृष्ण महाभारत के बीच में, यानी कि दोनों ओर सेनाएं हैं, और उस बीच में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि जब अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को न युद्ध से गोविंदम, न युद्ध से गोविंदम, और बोलते हैं कि मुझसे युद्ध नहीं हो पाएगा, हे केशव, हे माधव, मेरे से युद्ध नहीं हो पाएगा, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस क्षण जब इस पूरा ब्रह्मांड जब धर्म खतरे में है, और जब मैं यहां पे धर्म बोलता हूं तो कृपया इसे अन्यथा मत लीजिएगा, ये वही धर्म है जो बुद्ध का धर्म है, ये वही धर्म है जो हिंदू का धर्म है, क्योंकि धर्म किसी संप्रदाय का नहीं है, धर्म सार्वजनीन है, सबका है। ये धर्म के नाम पे बांटने वाले लोग तो वो लोग हैं जो हिंसा फैलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो धर्म है वो शुद्ध धर्म है, यहाँ पे ना किसी मजहब का नाम लिया गया है और ना किसी व्यक्तिगत और पर्टिकुलर धर्म का। तो मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, सुनो पार्थ, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं, और धर्म को बचाने के लिए मैं ही हरेक युग युग में जन्म लेता हूं, क्योंकि जो समाज इंद्रप्रस्थ का पटरानी, महाराज द्रौपदी का पुत्री और पांडवों का पत्नी का ख्याल नहीं रख सकता है, उसका इज्जत और इसका मान का सम्मान नहीं रख सकता है, उसे बचाव नहीं कर सकता है, और जो समाज उसके साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ उस समय चुप रह गया, वो समाज भला एक सामान्य नारी का क्या वैल्यू करेगा और क्या उसका वो बचाव कर पाएगा। इसीलिए जिस समाज ने वो चीज को चुपचाप सहा, उस सब को वही हश्र होगा जो होना चाहिए, और मैं बोलना नहीं चाहता उसके बाद क्या हुआ, वो पूरा इतिहास को पता है। इसीलिए इस क्षण हे पार्थ, हे अर्जुन, अगर तुम रण छोड़ते हो, अगर तुम भागते हो, तो समाज तुम्हें कायर कहेंगे और हमेशा तुम्हें कोसेंगे, और तुम एक महान पुरुष हो तो तुम्हें दृष्टांत मानकर लोग अपने ड्यूटी, अपने कर्तव्य से भाग जाएंगे। तो आखिरकार ये सब जो मुद्दा है, ये सब उठा एक घरेलू हिंसा से। तो मैं बहुत घूम रहा हूं इन दिनों, मैं रफ्तार बहुत बढ़ा दिया हूं, मैं इतना तेजी से घूम रहा हूं, और सब अपने पैसे से, और कभी जरूरत मांगे तो मैं किसी से उधार भी ले लेता हूं, पर इस बार मैंने रफ्तार बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा रफ्तार बढ़ा दिया है। तो मैंने देखा कि ये घर घर का कहानी है मेरे दोस्तों, हर घर में कोई ना कोई शोषित हो रहा है, किसी का माता, किसी का बहन, और खास करके ये चीज नारियों पे ही लागू है, पुरुष कभी भी शोषित नहीं हो रहा है। क्या वजह है भाई, क्यों? बिकॉज दे आर एनाटॉमिकली डिफरेंट फ्रॉम यू, यू डू नॉट हैव एनी राइट टू एक्सप्लॉइट समवन जस्ट बिकॉज दे आर एनाटॉमिकली डिफरेंट, राइट? वो शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से जो शरीर एक पुरुष के पास होता है, महिला उनसे थोड़ा सा भिन्न होता है, क्योंकि वो प्रकृति का संतुलन का बात है, अगर वो ना हो तो ये प्रकृति चलेगा नहीं, आने वाले पीढ़ियां बढ़ेगा नहीं। तो केवल उसके शारीरिक आधार पे आप होते कौन हो उसे उत्पीड़ित करने वाले, उसे पीड़ित करने वाले, क्यों?
क्यों सभी लोग, मैं एक आह्वान करना चाहता हूं कि आइए सब लोग मिलते हैं और एकजुट होकर के इस समाज में फिर से एक नया सवेरा, एक बुद्ध, एक राम, एक शिव और जितने भी हमारे तमाम महान ऋषि मुनि थे जिन्होंने इस सृष्टि पे केवल शांति और प्रेम का बात किया था, लेकिन आज वो चीज फिर से खोते चले गए, चला गया इस समाज में। क्यों हम उत्पीड़ित करते हैं? क्यों हमारा बहन, क्यों आपका और मेरा जो बहन है उसको क्यों नहीं उस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया जाता है? एक बेटे को वर्ल्ड क्लास टॉप यूनिवर्सिटी में कर्जा लेके भेजा जाता है और वही तरफ एक बेटी को सरकारी गया गुजरा स्कूल में भेजा जाता है और कई लोगों को तो वो भी नसीब नहीं है और उसे घर का चूली चौका, बर्तन मांजना, खाना बनाना और इसी में उसे कैद कर दिया जाता है। क्यों? अभी देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं एक जगह पे था वहां भी मेरे साथ ऐसा ही बोला गया, नहीं मेरे घर में तो आई एम लाइक अ क्वीन, मैं तो रानियों की तरह हूं, मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने घर ऐसे हैं, हजार छोड़िए 100 घर में से कितने ऐसे घर है जिनमें बेटियों को भी उतना ही अधिकार मिल रहा है जितना बेटों को? सुनिए मेरे दोस्त, वो घर बहुत कम है, केवल इक्का दुक्का ही होंगे। और अगर चलिए आप ज्यादा ही उदार है तो चलिए इसको 10 मान लेते हैं, तो 100 में से 10 घर, यह अनुपात देखिए आप। और आप जाके देखिए पूरे भारतवर्ष घूमिए आप, उसमें आप हर घर में पाएंगे कि कुछ ना कुछ भेदभाव है। जो अमीर घर है, जो पढ़े लिखे है और जो गरीब भी है लेकिन समझदार है, उनमें चलिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ठीक ठाक हो रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम घरों में अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत ही चालाकी तरीके से, जब मैं बोलता हूँ चालाकी तरीका, तो ये चालाकी तरीका ये है कि अगर भले ही बेटी को वो दर्जा दे दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उससे कोई चीज छीन लिया जाता है। अब जैसे कोई बेटा मेरे जैसा पूरा दिन YouTube बना रहा है, वीडियोस बना रहा है, उसको खाना तो मिल जाता है, लेकिन एक बेटी को खुद से बर्तन धोना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, रोटियां बेलना पड़ता है, सब्जी और घर में जितने सारे